हेलो, हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 11 का सॉल्यूशन। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो यहां पर देखो, जो ये प्रश्न है इसमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी और डी ई बराबर हैं, ए बी और डी ई समांतर भी हैं, बी सी और ई एफ बराबर हैं, बी सी और ई एफ समांतर भी हैं। जो मैंने यहाँ पढ़ा एक बार यहाँ से विजुलाइज करो, तो यहाँ पर दो त्रिभुजों की बात की गई है, पहला है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। इसमें जो ए बी है, ये भुजा ए बी, ये डी के बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये बराबर है तो एक कट लगा दे रहा हूँ। और इसी तरह से जो ये भुजा बी सी है, ये ई एफ के बराबर भी है और समांतर भी है, तो यहाँ पे मैं दो दो कट लगा दे रहा हूँ, दोनों बराबर हैं। उसके बाद बोला गया जो शीर्ष हैं, ठीक है, उनको जोड़ दिया जाता है, ए को डी से, सी को एफ से और बी को ई से। और फिर हमसे बोला ये छह हिस्से दर्शाओ या सिद्ध करो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिखना होता है हमें, तो जो भी बराबर था या समांतर था मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना होता है हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें ये छह हिस्से आप उतार लेना, ठीक है, ये छह हिस्से क्योंकि हमें सिद्ध करने हैं। तो एक एक करके बात करेंगे, पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। यहाँ पे बोला गया चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिखा दो। तो ए बी ई डी है कहाँ, पहले आप विजुलाइज तो करो, ए बी ई डी ये रहा। तो हमें इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं ये अगले पेज से कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जो भी वहां पे हमने देखा मैं वहां पे सेम कट लगा देता हूँ। ये वाला इसके बराबर है तो एक एक कट लग गया, ये दोनों आपस में बराबर है तो दो दो कट लगा दिए, ठीक है। तो पहले हिस्से की बात करते हैं, पहले हिस्से में ए बी ई डी को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, उपपत्ति लिख लो या प्रमाण लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। पहले हिस्से की बात कर रहे हैं तो चतुर्भुज ए बी ई डी में, चतुर्भुज ए बी ई डी में, इसमें मुझे क्या पता है, इसमें मुझे पता है ए बी जो है वो डी के बराबर भी है, समांतर भी है, यानी कि यहाँ पर ए बी बराबर है डी के और यही ए बी, ठीक है, यही ए बी समांतर भी है डी ई के। अगर ऐसा है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ये तो सिद्ध हो गया कि ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब हुआ कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है ये मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले लिख लूँ, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज लिखने का शॉर्टकट है। तो यहाँ पर देखो कैसे हो गया ये, मैंने जब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, मतलब इस चैप्टर की पहली वीडियो, वहां पे आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, सामने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा आपस में बराबर हो और वही जोड़ा आपस में समांतर भी हो तो हमेशा वो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो यही जोड़ा आपस में बराबर भी है और यही जोड़ा आपस में समांतर भी है, तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये पहला हिस्सा था, अब जरा दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे हिस्से की बात करते हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। दूसरे हिस्से में क्या बोला गया, देखो दूसरे हिस्से में कह रहे हैं ये कि भाई चतुर्भुज बी ई एफ सी को एक समांतर चतुर्भुज दिखा दो। बी ई एफ सी कहाँ पे है पहले इसको देख लो, तो बी ई एफ सी इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, तो ये भी आसान है यार, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरा हिस्सा कर रहे हैं अब हम, चतुर्भुज बी ई एफ सी में, इसमें क्या है, इसमें देखो यार बी सी जो है वो बराबर है ई एफ के, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और जो बी सी है ये समांतर भी है ई एफ के, ठीक है ना, कारण लिख रहे ना, दिया है, ऐसे पिछली बार भी लिखना था दिया है, वहां मैं लिखना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, वहां भी लिखना कारण, ठीक है। तो देखो यही चीज बराबर है, यही चीज समांतर है ई एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो बी ई एफ सी बनेगा वो एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे हिस्से की बात करते हैं, तीसरे हिस्से में हमें दिखाना ए डी सी एफ के समांतर है और ए डी सी एफ के बराबर भी है। तो पहले आप देखो ए डी और सी एफ है कहाँ, ये रहा ए डी,
और ये रहा CF, ये दोनों बराबर और समांतर दिखाने हैं। तो भाई हो जाएगा कैसे, ऐसे होगा ये, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं इनको नहीं दिखा सकता, लेकिन पहले मैं AD और BE को बराबर दिखा दूंगा, ठीक है, और समांतर दिखा दूंगा। वो क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज की समभुज हैं, बराबर और समांतर तो होंगी। और उसके बाद मैं इसको दिखा दूंगा कैसे, क्योंकि इस बार ये दूसरे हिस्से में हमने सिद्ध किया समांतर चतुर्भुज अभी किया है, तो ये समभुजाएं हैं, तो फिर वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले इसको हम इसके बराबर दिखा देंगे, फिर इसको इसके, ठीक। कैसे करेंगे देखो, एक बार मैंने यहाँ पे लिखा कि अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में मैं क्या लिखूंगा, पहले AD जो है, AD वो बराबर है BE के, AD को मैं पहले BE के बराबर दिखा सकता हूँ, और AD को मैं BE के समांतर भी दिखा सकता हूँ। क्यों, कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है और ये उसकी सम्मुख भुजाएं हैं। तो मैं लिखूंगा समांतर चतुर्भुज, क्या नाम उसका, ABED की सम्मुख भुजाएं हैं ये, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल देते हैं एक, इसको बोल देते हैं दो, ठीक है। इसी तरह से अब मैं बोल सकता हूं कि जो ये BE है, ये CF के समांतर होगा और CF के बराबर भी होगा, ठीक है। तो मतलब जो CF है वो बराबर होगा इसी BE के, और जो CF है वो समांतर होगा इसी BE के। अच्छा, इस बार ऐसा क्यों हुआ, इसको बोल देते हैं तीन, इसको बोल देते हैं चार। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि BEFC, ये वाला BEFC एक समांतर चतुर्भुज है और ये उसकी सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज BEFC की, यहाँ लिख लेना, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से देखो फायदा ये होगा, अब आपको देखना है एक व तीन को, एक व तीन से मतलब, एक देखो ये रहा पहली स्टेटमेंट, तीन ये रही, ठीक है। यहां पर देखो AD भी BE के बराबर है, CF भी BE के बराबर है, तो अगर दो चीजें किसी एक ही के बराबर हो तो आपस में भी बराबर होती हैं, तो यहां से AD और CF बराबर हो गए, AD और CF बराबर हो गए। इसी तरह से आपको देखना है अब दो व चार से, दो व चार से, दो को देखोगे तो AD BE के समांतर है, और चार को देखोगे तो जो CF है वो भी BE के समांतर है, तो AD और CF दोनों ही किसी तीसरी भुजा BE के समांतर हैं। दो भुजाएं अगर किसी एक ही भुजा के समांतर हों तो आपस में भी समांतर होती है, मतलब AD CF के समांतर भी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इतना हुआ, अगला हिस्सा हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं। अगला हिस्सा देखो क्या है, तीसरा तो यही करना था ना कि AD CF के बराबर, AD CF के समांतर हो गया, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे चतुर्भुज, चौथा हिस्सा देखो, चतुर्भुज ACFD में, ठीक है, ACFD में AD बराबर CF है, अभी हमने सिद्ध किया, और यही AD CF के समांतर भी है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, ऊपर सिद्ध किया या फिर भाग तीन में सिद्ध किया, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, भाग तीन में सिद्ध किया, ठीक है, भाग तीन में सिद्ध किया, भाग तीन में हमने ये चीज़ सिद्ध की थी। तो यही हिस्सा बराबर और समांतर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हिस्सा क्या है, देखो अगला, ठीक है, अगला हिस्सा देखो क्या है, अगला हिस्सा है AC बराबर DF दिखा दो, AC बराबर DF दिखा दो, तो ये तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ACFD समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है, तो AC और DF तो उसकी सम्मुख भुजाएं हो गई ना, ठीक है, तो ये तो आराम से हो जाएगा, इसको यहीं पे कर देता हूं मैं, ठीक है। पांचवें हिस्से को, पांचवें हिस्से में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यार, क्योंकि ये तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया ACFD, तो इसका मतलब क्या है, AC और DF बराबर होंगे, क्यों,
क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज जो भी हमने सिद्ध किया था ACFD को, उसकी सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है भाई, तो AC और FD भी बराबर आ गई। ठीक है, तो AC और FD पे बराबर कट लगा देते हैं, तीन कट, चलो यहाँ भी आ गया तीन कट। ठीक है, अब अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा क्या है, चौथा हो गया ये, पांचवा, छठा देखो। छठा है त्रिभुज ABC और DF सर्वांगसा में दिखाना है, तो इसको अगले पेज पे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है और DEF है, इसको क्या दिखाना है, इसको दिखाना है कि ये सर्वांगसम है। ठीक है, याद रखना ये वाला हिस्सा, ठीक है याद रखना ये वाला हिस्सा इसके बराबर आ चुका है, अभी हमने ऊपर दिखाया। तो ये तो आसान है यार, कैसे करेंगे देखो, हम लिखेंगे त्रिभुज, छठा हिस्सा कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक है, AB बराबर, AB देखो इसका AB इसका DE, ये तो बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ लिखोगे दिया है, दिया है। और इसी तरह से इसका BC इसका EF बराबर है, BC बराबर EF है, ये भी दिया है। और AC बराबर DF है, ये हमने भाग पाँच में सिद्ध किया। ठीक है, भाग पाँच में ही तो सिद्ध किया था, भाग पाँच में सिद्ध किया। तो भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो ये तो आसान था।